देसाई साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके पीछे एक बैनर लगा हुआ है कौम की आवाज, मुस्लिम कौम जो है वो एजुकेशन में सबसे पिछड़ी हुई कौम है, तो उस दिशा में लेकर अगर आने वाले वक्त में आप खासदार बनते तो क्या कदम उठाए जाएंगे शिवसेना की तरफ से? किसी भी देश की अगर प्रगति होनी है तो तरक्की होनी है तो उसके सबसे पहली बुनियादी बात ये रहती है कि आपकी शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो मामले जिस देश के लिए सही होते हैं, जिसके लिए अच्छा प्रबंध किया जाता है उसकी तरक्की निश्चित होती है। तो खासदार बनने पर, सांसद बनने पर पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ। सर आज जो है मुस्लिम एकता मंच की तरफ से, उलमा बोर्ड की तरफ से और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर स्पेशली आपके लिए जिस तरीके से अब प्यार माइनॉरिटी समाज की तरफ से उमड़ रहा है, काफी संख्या में एक इतिहास बनेगा कि शिवसेना को इतनी बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम वोटर्स वोट देंगे। इसके लिए मैंने जैसे मेरे अभी मैंने जो बात रखी उसमें जैसे जिनके सभी के शुक्रगुजार कहा हमने और सबका धन्यवाद किया कि एक होकर सभी ने इस बात को रखा कि इस बार परिवर्तन हम जरूर लाएंगे, समर्थन उसी के लिए दिया है कि इस बार परिवर्तन लेके हमारा सांसद, हमारा जो प्रतिनिधि है, हम एक साथ मिलकर चुने। जय साहब, इस कौम की और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड क्या तरीके की तैयारी है इस चुनाव को लेकर, आपकी तैयारी कितनी? तैयारी तो चलती रही है दिनों दिन, आए दिन प्रतिशत अच्छा मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और परिवर्तन की भावना सभी में, तो वो ये बता देती है कि आगे किस तरह से काम।